नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। एनिमल ने 3 दिन में कमाई 360 करोड़, रणवीर कपूर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर के बॉक्स ऑफिस ताबड़तोब कमाई कर दी रही है। रणवीर कपूर की हालिया रिलीज फिल्म एनिमल थिएटरों में खूब दहाड़ रही है। दर्शकों के बीच एनिमल को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रणवीर कपूर के फैंस ने सिर्फ सुबह 5 बजे नहीं बल्कि रात 2 बजे तक का शो भी देखने पहुंच रहे हैं। एनिमल रणवीर कपूर के अब तक के फिल्म करियर में पहली ब्लॉकबस्टर बनाकर सामने आ गई है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस धुनांदार चल रही है। 1 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से ही आज हम आपको एनिमल का 3 दिन का कलेक्शन बताने वाले हैं। फिल्म ने मात्र 3 दिनों में इतिहास रचने हुए वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ की कमाई कर दी है। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने दर्शकों को रोमांचक कर दिया है। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित ये क्राइम एक्शन थ्रिलर दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। फिल्म में जैसे रणवीर कपूर के फैंस पर जादू कर दिया है। फिल्म एनालिस्ट रमेश वाला के अनुसार इनके सामने शुरुआती वीकेंड में वर्ल्ड वाइड लेकर 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनिमल ने केवल 3 दिनों में नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 360 करोड़ का कमाई कर चुकी है। साथ ही फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सोमवार को रमेश वाला ने एक्स पर लिखा कि 3 दिन के कलेक्शन और फर्स्ट वीकेंड के अनुसार एनिमल ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 360 करोड़ की भारी कमाई कर दी है। एक अन्य ट्वीट में बाला ने नॉर्थ अमेरिका में एनिमल के बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े साझा कर दिए हैं।